हमास के सिर्फ 2 से 3% हथियार यहाँ है, जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर को कत्लेआम मैसेकर के लिए किया गया था। इन हथियारों से हमारे साथ IDF के बड़े अधिकारी जी भी हैं, वो आपको बताएंगे एक एक करके कि क्या कुछ है। मिस्टर जी, टेल मी, व्हाट इज दिस एंटीक्राफ्ट? दिस इज एन एंटीक्राफ्ट मिसाइल कॉल्ड SA-7 स्ट्रेला। ये एंटीक्राफ्ट मिसाइल है। अगर एंटीक्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट को गिराना है तो इसका इस्तेमाल होता है। इधर आप दीजर RPG, ये RPGs हैं और इन RPG का इस्तेमाल जो है ये नॉर्थ कोरिया में बने हुए इन RPG को लेकर आए थे हमास के आतंकवादी 7 अक्टूबर को और इन्हीं के जरिए घरों पे हमला किया। प्लीज मूव ऑन, यहाँ आपको दिखाते हैं तमाम RPG का इस्तेमाल किया गया है। दीजर मेड इन गाजा। No, the grey one is North Korean RPG called. आपको बता दीजिए, नॉर्थ कोरिया में बना हुआ है ये RPG जो है लेकर आए थे हमास के आतंकवादी सैकड़ों हजारों की संख्या में, ये नॉर्थ कोरिया में बना है। नॉर्थ कोरिया? Yeah, North Korea anti-person RPG. And Russian made? What is Russian made here? Over there we have RPG-7 originally made in the Soviet Union. आपको बता दीजिए, सोवियत यूनियन में बना है 80 के दशक में RPG, मौजूदा रूस में नहीं, ये कहना है। What are these? This is RPG-7VR, homemade by Hamas. You can ये होम देखिए, ये होममेड है, हमास ने बनाया है। तमाम जानकारी हमारे साथ दे रहे हैं, ये हमास का RPG-7VR, ये अरबी में लिखा है शायद, और ये हमास मेड बना। और ये इधर बताइए क्या है, व्हाट इज दिस? ये ग्रेनेड? Yeah, this is TBG, thermobaric grenade. You can see here. Yeah. It comes up to 3000 degrees in 1 second. You can throw it into the room. देखिए, इस तरह के ग्रेनेड, वेट प्लीज वेट, इस तरह के ग्रेनेड घरों में फेंके गए। जब घरों से लोग बाहर नहीं निकले तो इस तरह के ग्रेनेड फेंका गया और बड़े बड़े घर, जो कि नीरोज में बात करें, किफुसीम में बात करें, बेरी में बात करें, रेम में बात करें, वहाँ इस तरह के बड़े बड़े ग्रेनेड फेंके गए। और व्हाट इज दिस? दीज आर ग्रेनेड्स ऑल्सो? This is an RPG warhead. RPG warhead. With an attachment mechanism. Okay. In order to put in place on the tank. To attach it to the tank and to just initiate it. तो घर में जब उड़ाना था, प्लीज वेट मिस्टर जी, जब घर को उड़ाना था तो इसे लगाते थे और इसे उड़ा दिया जाता था। प्लीज मूव दिस सर। मिस्टर जी, व्हाट आर दिस? दीज आर ग्रेनेड्स, हैंड ग्रेनेड्स। कैन यू मूव प्लीज? दीज आर हैंड ग्रेनेड्स। हैंड ग्रेनेड्स, इस तरह के ग्रेनेड्स भी हमने कई जगह देखे और आपको दिखाया है। और भी दूसरे एक्सप्लोसिव्स हैं, ये माइंस है, ये हम बता चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तरह के पाइप का इस्तेमाल भी करम सिंह, ये माइंस है, ये सारे माइंस है, IEDs हैं, बड़े बड़े गाड़ियों को, मिलिट्री की गाड़ियों को, इसका भी इस्तेमाल एक्सप्लोसिव डिवाइस को उड़ाने के लिए किया जाता है। इस तरह के ये पाइप रखे हैं और यहाँ ये तमाम चीज़ें IEDs हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को उड़ाना हो या फिर IDF को रोकना हो, घरों के बाहर लगाना हो, जब वो घिर जाते हैं आतंकवादी तब इनका इस्तेमाल होता है। तो न्यूज 18 इंडिया ने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जहां सैकड़ों की संख्या में हथियार है, लेकिन ये 2 से 3% से ज़्यादा नहीं जो 7 अक्टूबर को इस्तेमाल किया था। 1500 से ज़्यादा ग्रेनेड, सैकड़ों की संख्या में RPG, इसके अलावा हजारों सैकड़ों की संख्या में दूसरे एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया। गन और मशीन गन तो बहुत छोटे हथियार थे, बड़े बड़े हथियार यहाँ आपको दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, जूलियस मिलिट्री बेस, इजराइल।